आरएस भर्ती परीक्षा को एक्सटेंड करवाने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने रिद्धि सिद्धि चौराहे पर जमकर प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला। छात्रों का कहना है कि आरएस परीक्षा के लिए समय कम दिया गया है, इसलिए इसको स्थगित करवाने की मांग को लेकर तकरीबन 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने भी सरकार को पत्र लिखा है। आरएस भर्ती परीक्षा के छात्रों ने परीक्षा को आगे करवाने का कारण बताते हुए कहा है कि समय कम है। आरपीएससी द्वारा पेपर प्रिंट करवाए जाने वाली लैब की पहले भी भूमिका संदिग्ध रह चुकी है और प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की त्रुटियां न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए आरएस परीक्षा को एक्सटेंड किया जाए। विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए आंदोलन चल रहा है। हम लोग उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। आज 1000 छात्रों का इस मेंस पोस्टपोन की मांग को समर्थन देने के लिए एक विशाल पैदल मार्च रखा गया था। ये रिद्धि सिद्धि से लेकर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास में ये गोपालपुरा बाईपास रोड पर इस मार्च का आयोजन किया गया था और इसमें हमने अपनी मांगों को अपने संख्या बल के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। हम कई बार अपनी मांगें दोहरा चुके हैं कि इतिहास में अब तक मात्र 3 महीने का समय केवल इसी बार दिया गया है। इसके अलावा आरएएस परीक्षा जिस सरकार में हुई, बार बार पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक करने वाली सरकार को प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश की जनता ने बदल दिया। किसान, मजदूर, व्यापारी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से जयपुर जैसे शहरों में कई कई लाख रुपए लगा करके भेजते हैं, वो युवा जो 5-5 साल 6-6 साल लगा करके किसी परीक्षा की तैयारी करता है, और आप तो जानते होंगे साहब, आरएएस परीक्षा तो वैसे ही 2-3 साल में एक बार होती है, फिर वो एक बार नहीं हुआ तो फिर 6 साल की जाती है, और 6 साल के अंदर पूरे छात्र की जवानी चल जाती है। अब या तो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर ले या सड़क पर आकर के आंदोलन कर ले। ये पेपर हो रहा है, चुनाव हुए, भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनने से पहले भाजपा के नेता सड़क पर हमारे साथ मौजूद थे। आज क्या कारण है कि सड़क पर हम लोग हैं और हमारे साथ कोई नेता नहीं है उनका? आज वो सत्ता में जाकर बैठ गए हैं तो सुर क्यों बदल रहे हैं? मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है राज्य सरकार की कि जिस सरकार के 30 से ज़्यादा विधायक समर्थन पत्र हमारी मांगों के लिख करके सीएम साहब को लेटर दे दें, और जिसके 50 से ज़्यादा विधायकों से हम लोग मिले हैं, जिन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है, सीएम साहब से 3 बार मिले हैं, उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है कि जांच होगी, पेपर आगे बढ़ा देंगे, कार्रवाई कर देंगे, लेकिन फिर क्या मजबूरी है जो उनको रोक रही है इस पेपर को आगे बढ़ाने से? इस सरकार बदल गई, पेपर को करवाने वाले प्रोफेसर वही है, प्रिंटिंग प्रेस वही है, सारा तंत्र वही है। ये तंत्र जब तक बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। इस पेपर को पोस्टपोन कराया जाए, इस तंत्र का सफाया किया जाए और निष्पक्ष रूप से सभी के हित में हो ऐसे निर्णय लिए जाए। जो छात्र इतने सालों तक मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय होगा तो ये छात्र पानी की तरह साहब सहेज के रखोगे, संभाल के रखोगे तो शांत रहेगा, और अगर जरा सा भी आपने हलचल पैदा की तो ये पानी सुनामी बन सकता है। ये छात्रों की सुनामी आएगी तो इसमें बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ गई साहब। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस राजस्थान के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। अगर वो पार्टी लगातार वैकेंसी लेकर के आती है, निष्पक्ष रूप से पेपर करवाती है, छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है, हमारी मांगों को पूरा किया जाता है, आरएस के पेपर को आगे बढ़ाया जाता है, आरपीएससी का सफाया किया जाता है। प्रशासन को कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले लोगों को लगे कि संख्या कम थी, परंतु मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब राम सीता को लेने वो जा रहे थे लंका, तो वो गिलहरी सा सेवक भी था। तो ये अगर गिलहरी सा सेवक हो सकता है, परंतु उस बात का ध्यान रखे कि अगर गिलहरी सा सेवक आगे जाएगा तो हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार, प्रदेश की झुकेगी, और मुझे लगता है आरएस की जो पोस्टपोन करने की जो मांग है हमारी, वो मांग पूरी होते हुए नजर आएंगी। पर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जब पिछले सरकार में लगभग सभी बार पेपर लीक हुए, उन जो सरकारी तंत्र था, वह तंत्र लीक करने वाला वही था ना, तो वही तंत्र सरकार बदलने के बाद भी क्यों है? तो उस तंत्र को बदला जाए और सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से कराया जाए और किसी प्रकार में युवाओं के साथ गलत ना किया जाए, ये हमारी मांग है, और शांतिपूर्ण तरीके से हम सारे कार्य करेंगे। पहली बात तो इस एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय दिया गया है, जो कि जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस संदिग्ध है, पिछली सरकार में पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो सर ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो कुछ हो सकता है, सर कुछ गुट हो सकते हैं जो एग्जाम टाइम पे भी चाहते होंगे, लेकिन सर जो एक मेजोरिटी गुट है ना, वो यही चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। और तो सर हमारी यही मांग है कि एग्जाम को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया जाए और 3 महीने का समय हमें अतिरिक्त दिया जाए।
तो ये हमारी सर प्रमुख मांग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भाइयों ने सब आपको बता दिया है, मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि युवा वायु का उल्टा होता है, यदि वायु तेज चली तो ये वट वृक्ष बीजेपी का वट वृक्ष गिरता टाइम नहीं लगेगा। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, हम चेतावनी देना चाहते हैं इस बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने ये आरपीसी की भ्रष्टता पर और आरोप के माध्यम से वो सरकार चुनी गई, सत्ता में आई, सत्ता के आने के बाद राजेंद्र राठौड़ जो इसका मेन नेतृत्व कर रहे थे मीणा जी, उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। मैं उनको यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, हम उन्हें बता देंगे यदि ये हमारी मांग नहीं मानी तो। भाई साहब डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे, तैयारी के लिए समय मांग रहे, बस इतना सा मेरा कहना है। और सरकार को देना चाहिए, सरकार इन्हीं मांगों के साथ सत्ता में आई है। सरकार ने जब चुनाव हुआ उससे पहले हम सबसे ये वादे किए थे कि हम आरपीसी का रिव्यू करवाएंगे, सारी भर्ती परीक्षाओं का दोबारा मतलब नई तिथि देंगे, उसके बाद अब सरकार बिल्कुल मुखदर्शक होकर सुन रही है, कोई जवाब नहीं। छात्र जो है लगातार बहुत सारे एमएलए वगैरह मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक इतना कुछ विशेष ध्यान दिया नहीं गया है। आज कैंडल मार्च भी निकाला है, हो सकता है सीएम साहब के ये नज़र में ये चीज़ है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सीएम साहब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आरएस मेंस की बात करूं तो अगर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरएस मेंस विद्यार्थी रिद्धि सिद्धि, मैं इसको आरएस मेंस का गढ़ मान रहा हूं। और सीएम साहब कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? सांगानेर। रिद्धि सिद्धि आपके ही क्षेत्र का मुद्दा है। अगर आपके क्षेत्र के युवा ही अभी इस हालत में है कि उनको कैंडल मार्च करना पड़ रहा है, युवा अभी तक चार बार सीएम साहब के पास जाके आ चुके हैं, अभी तक आप अपने क्षेत्र के लोगों पे संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस एरिया में बात करूँ तो हर विद्यार्थी जिस घर में रहता है, अगर वो पीजी में रहता है अपनी तो पीजी में अपने मकान मालिक को बोला है, अगर वो नाई की दुकान में जाता है तो सेविंग करवाने वाले को, चाय की दुकान में जाता है टपरी वाले को, सबको यही चुनाव के समय बोला है कि कांग्रेस के आतंक से हम परेशान हो चुके हैं, हमारी बातें कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही थी। बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे पे आई है, उनका ये मुद्दा था कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ अभी तक तो ऐसा कुछ सुधार हुआ नहीं है। तो हमारा यही कहना कि अगर बच्चों ने आपको जिताया है, मेन मुद्दा मैं बीजेपी के जितने भी नेता उनसे यही पूछूंगा कि मुद्दा आपके पास जीतने के लिए क्या था? सिर्फ युवा, और युवा दुखी है। अगर इस बात को भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद ये जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगी बीजेपी के लिए। सरकार को यही कहना चाहता हूं कि मतलब ये 3 महीने का जो समय दिया है ना, ये बहुत ही कम है, और क्योंकि मतलब बाकी का जो कांग्रेस सरकार ने ये 3 महीने का समय दिया ये कम है, और जो बीजेपी सरकार है वो पहले भी कहीं ना कहीं ये किरोड़ी लाल जी यार ये मुद्दा बना रहे थे कि भाई समय अधिक दिया जाए, अगर इनकी सरकार नहीं आती तो ये ज़रूर धरने पर बैठते, लेकिन अब इनकी सरकार आ गई है तो इनकी तरफ से मतलब ये जो छात्र नेता हैं किरोड़ी लाल जी हैं और इनकी तरफ से मतलब कोई बयान नहीं आ रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि किरोड़ी लाल जी जो एक छात्र नेता के रूप में जाने जाते हैं उनको आगे से आगे आकर मतलब छात्र हित के रूप में और मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है कि लगभग पेपर है वो 2-3 महीने बाद आगे पोस्टपोन किया जाए, जिससे कि मतलब ये जो छात्र है 3 महीने का जो कम समय मिला है उसको आगे आगे भी समय मिले और मतलब ये अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके।